खबर रायपुर से, जहां त्योहारी सीजन के शुरू होते ही रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले सभी यात्रियों के सामान की विशेष जांच की जा रही है। रेलवे बोर्ड से अलर्ट किया गया है कि पटाखे लाने ले जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, लिहाजा सुरक्षा अमला पार्सल बुकिंग से लेकर यात्रियों के बैग समेत विभिन्न सामानों की जांच कर रहा है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे। त्योहारी सीजन है और रायपुर के रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो यात्री हैं उनकी बैग चेकिंग हो रही है। वहीं यहाँ पर कोरोना को लेकर के जो दिशा निर्देश थे, हालांकि उसका पालन रेलवे स्टेशन में नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के भी कई लोग नज़र आ रहे हैं, जिसकी चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, यानी कि जाँच के मामले में जो रेलवे स्टेशन है वो भी लापरवाही बरत रहा है। लेकिन रायपुर में कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यात्री ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पूरे प्रदेश भर के यात्री सफ़र करते हैं। ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यात्री जो है वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। वहीं इनको टोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि अगर हम उनकी चेकिंग की बात करें या सुरक्षा के लिहाज की बात करें, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो जवान हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, अतिरिक्त बलों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि किसी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है यात्रियों की वो कम ना हो, तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। क्योंकि त्योहारी सीज़न में अक्सर जो है जेब कतरों की संख्या बढ़ जाती है, तो इस वजह से भी जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की जो घटना है उसी आरोपी अंजाम ना दे सके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। अब यात्रियों के जो आने जाने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि त्योहारी सीज़न है और रायपुर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कैमरामैन चोराराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।